30 लाख। अबे 23 लाख नहीं, ना भोसड़ी के बेटे बेटे मौज कर दी, वाह मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह सिर। ओ टुर गए यार मोहब्बत वाले, ते नाल ही लै गए हासे, आए मैं किथे जावां, मैं की करां। और करो डायमंड है कफरी दा मालूम छड़ दे खोती ते बच्चे तुहानू जे लभदी पिया है शायद, फिर उत्थों आराम नाल लवो ग्रीना वाले कोल, तुहानू देंदे वी ने नहीं, ऐक करने ने डायमंड, डायमंड लैणे ने असी, असी अंब चूपणे ने, चुप हूं बह के, हम भी चुप होते, थोड़े को भी टैग भी लैन दो, टेंशन ना लो। अच्छा तो यार ये भाई साहब कह रहे हैं कि शेख गेमिंग को भी डायमंड मिलते हैं फ्री फायर की तरफ से, फ्री में मिलते हैं और ये वो, तो उसके बावजूद भी इन्होंने जाके टॉप अप किया, ठीक है। तो भाई साहब आप जाके ना शेख गेमिंग का जाके चैनल देख लो, ठीक है। बंदे ने खुद मेहनत की, अभी देखो कितने सब्सक्राइबर हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है। तो चलो चलो बाकी बात छोड़ो, चलो आप भी ना हमारी तरह ना फ्री का डायमंड लेके बताओ, ठीक है। अगर आप में दम है ना, ठीक है, अगर आप में दम है ना तो फ्री के डायमंड लेके दिखाओ, ठीक है। फ्री के डायमंड जो हमें डेली मिलते हैं, मतलब कि मंथली जितने मर्जी लगाओ, हमें जितने मर्जी मिलते हैं ना, तो आप भी फ्री के डायमंड लेके बताओ, ठीक है। अगर ना आप में दम है, ठीक है। तो उसके साथ साथ यार ज्ञान गेमिंग ने भी रिएक्शन दिया था, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँगा, ठीक है। आपने रूफी भाई की वीडियो भी देखी, ठीक है। तो रूफी भाई का भी अकाउंट जो कि सस्पेंड हो चुका है, ठीक है। तो रूफी भाई ने, ठीक है, तो जब ये बग आया ना, रूफी भाई को तो पता ही नहीं है ना, ठीक है। तो आप उनकी जाके वीडियो भी दे सकते हैं, उसने बोला हुआ कि वो छूट पे थे ना, ठीक है। आपने ये लास्ट वीडियो देखी होगी रूफी भाई की, तो रूफी भाई ने मतलब कि आईडी उस दिन ऑन भी नहीं किए, तो ठीक है ना, फिर भी रूफी भाई की आईडी बैन हो गई है। तो लोग कह रहे हैं कि यार के पार्ट प्रोग्राम वाले बंदों को फ्री में मिलते हैं और भी जाकर टॉप वगैरह कर रहे हैं, तो D60 गेमिंग का, ठीक है, तो उसकी भी आईडी बैन हुई है। तो मेरे हिसाब में ये रीज़न हुआ होगा ना कि लोगों ने जब लोगों को जब पता लगा ना, तो वो उनकी ना आईडियाँ उठा के ना अपने फ्रेंड या फिर दोस्तों की आईडियाँ उठा के, तो उस पर भी उन्होंने टॉपअप किया, ठीक है। तो आप ना अपने फ्रेंड की भी आईडी पर टॉपअप वगैरह कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि मेरी आईडी बैन हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सीन ये हुआ होगा ना कि आपके जो फ्रेंड हैं ना, ठीक है, आपके फ्रेंड हैं, तो उन्होंने आपकी आईडी पे वगैरह पर टॉपअप वगैरह किया, तो इस वजह से आपकी आईडियाँ भी बैन हो गई हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताऊँगा, ठीक है, जो फ्री फायर के जो पाकिस्तान का जो पार्टनर प्रोग्राम है, उसमें अभी जितने भी बंदे ना, ठीक है, जितने भी बंदे, ठीक है, सब ने अपनी अपनी मेहनत की है, तो ठीक है, मेहनत करके सारे इधर इधर तक पहुँचे, ठीक है। तो अभी ये सीन चल रहा है कि ना अभी देखा जाए ना, तो एक मैंने चैनल देखा, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, एक दिन उसके सब्सक्राइबर थे कितने, 3,000 सब्सक्राइबर थे, फिर दूसरे दिन देखा मैंने 7,000, और 2 दिन बाद वो बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टर्न हो गया, कितने लिखा 10 के, ठीक है। मतलब कि बंदे ना चैनल परचेज़ कर रहे हैं और सिर्फ पार्टनर प्रोग्राम में आने के लिए, तो पार्टनर प्रोग्राम में कहीं आने के लिए, ठीक है, अभी बहुत सारे आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। अभी इतना आसान नहीं है पार्टनर प्रोग्राम में आना, ठीक है, अभी आपका सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है। पार्टनर प्रोग्राम मतलब कि अभी ये ट्रेंड चला है कि किसी भी बंदे से पूछो ना, मैं वो कहता जी मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, पूछो तो किस लिए, मैं पार्टनर प्रोग्राम में जाना है, मैंने मुझे फ्री के डायमंड मिलेंगे, ये वो मिलेंगे। तो भाई साहब इतना आसान नहीं है, ठीक है, पार्टनर प्रोग्राम आसान नहीं है, ठीक है। जब ये पार्टनर प्रोग्राम आया था ना, तो उस वक्त मुझे ना, ठीक है, मुझे खुद पता भी नहीं, ठीक है, मुझे पता भी नहीं था कि ये पार्टनर प्रोग्राम बुला गया होती है, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने बस यही सुना था कि पाकिस्तान के यूट्यूबर उनको चाहिए, तो वो जिसका पाकिस्तानी चैनल है तो वो रजिस्टर कर सकता है, तो मैंने भी रजिस्टर कर दिया। तो बाद में जाके पता लगा कि ये इतने बार डायमंड मिलते हैं, उस वक्त मैंने मुझे उधर लिखा हुआ था ना कि 5,000 डायमंड मिलेंगे आपको, मैंने कहा चलो ठीक है 5,000 डायमंड मिलेंगे और पाकिस्तानी उनको यूट्यूबर भी चाहिए, तो ये वो कुछ सीन था। तो उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, बल्कि मैंने रजिस्टर भी नहीं किया, मेरे छोटे भाई ने रजिस्टर किया था, ठीक है। तो अभी ये सीन है कि अभी जो पार्टनर प्रोग्राम में सिर्फ बंदे इसलिए आना चाह रहे हैं कि सीज़न 2 मिलेगा, ठीक है, सीज़न 1 मिलेगा और सीज़न 2 मिलेगा, बस ये इसी के लिए बंदे आना चाह रहे हैं पार्टनर प्रोग्राम में, बाकी उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री के डायमंड चाहिए उनको, बस अपनी जो आईडी है ना वो ओपी करनी है, ठीक है। तो चलो यार मैं अभी आपको ना ज्ञान गेमिंग का रिएक्शन दिखा देता हूँ कि ज्ञान गेमिंग ने क्या बोला हमारे जो बैजेस परचेज किए, मतलब कि कल आपने लुकेज की मेरे वाली वीडियो देखी है ना, चलो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। ओ भाई साहब यार, अरे देखो कैसे हिस्सा रहे, देखो हिस्सा ने क्या कर दिया। अरे ऋषभ भाई आओ थोड़ा, क्या बात है यार,
तो अब लगता है कि डायमंड कम होगा मेरे को लग रहा है। आई थिंक 1.5 लाख बच लिया भाई साहब, ओपी गाइस यार। अरे ऋषभ भाई बोलो बोलो, एक बार बैजेस चेक करो ग्लोबल का। देखा देखा भाई कितना 23-25 लाख कितना खरीद रखा है। वो रियल है कि वैसी है, ग्लिच है क्या पता? ये सारे पाकिस्तान का है क्या? पीके पीके पीके, हाँ शायद पाकिस्तान का सर्वर अलग है। ओ हाँ ये भी तो है। तो पीके का मतलब क्या होता है? अबे पाकिस्तान, अबे गधे, तो ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड होता है ना। तुम भी गधे यार। अबे एक सेकंड, अरे हाँ ग्लोबल आ रहे हैं भाई। मैं भाई एकदम एकदम मैं भी गधा हूँ। अबे डायमंड का प्राइस कितना है गाइस? कोई पाकिस्तान से हो गाइस बताओ ना गाइस, तुम लोग वहाँ पे कितना डायमंड का, कितना डायमंड मिलता, कितना डायमंड मिलता है गाइस? 1000 डायमंड कितना डायमंड? अबे सब सब पीके भाई, भाई सब पीके। 20,000 दिख रहा है, 2 लाख दिख रहा है। अबे वो 23 लाख है। 23 लाख? अबे 23 लाख नहीं नहीं, 2 लाख। 2 लाख साल है गांडू, 2 लाख कहाँ तक पड़े हुआ तुम मेरे को? अबे दिख नहीं रहा भाई, दूर रख, मेरे को लगा 23 लाख खरीद दे भाई। भाई साहब ओपी ब्रो, ऑल द बेस्ट, नाइस, अच्छी बात है। सारे के एक दिल के होते ना और भी मजा आती। जब भी पाकिस्तान भाई लोग यार सारे एक दिल में हो जाओ तो भी मजा आएगी। वैसे एक बात देखो, किसी का गिल्ड ही नहीं है शायद, जिसने लिखाया है नहीं पता नहीं। क्या पता गिलिच भी हो सकता है, क्या पता? हाँ कोई गिलिच हो सकता है, किसी का भी नहीं देख रहा हूँ गिलिच। हाँ कोई भी गिल में नहीं है, वाह क्या अच्छी बात है। अबे वो है ऐसा ग्लिच है, ग्लिच है, ग्लिच है, ग्लिच है, ग्लिच है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, जाता हूं मैं गाइस। लव यू, लिव। हां ऋषभ गाइस, अच्छा गाइस जितने वालों देख रहे हो सर लोग, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टाटा सो ड्रीम्स एवरीवन। लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब मार देना और भूल मत जाना मैं हूं कौन। ओके गाइस चलते गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। कल हर मैच भूया करेंगे, देख के रहना आगे। तो चलो यार भाई साहब ठीक है, अभी भी मैंने आपको ना सब कुछ बता दिया कि ज्ञान गेमिंग ने का मतलब कि जो स्ट्रीम थी ना वो मैंने आपको सारी दिखा दी है, जिस चीज़ जिधर जिधर ज्ञान गेमिंग ने बोला ना वो सारा पार्ट मैंने इधर वीडियो में डाल दिया। तो अभी ये सीना ना कि जिस बंदे की आईडी बैन हुई है ना, मैंने शायद आपको दिन की वीडियो में मैंने आपको बोला था, जो मैंने आज दिन को अपलोड किया ना ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था कि आपकी आईडी ना ओपन होने में ना 2 से 3 दिन लग सकते हैं ठीक है, 2 से 3 दिन आपकी आईडी ओपन होने में लगेंगे। और उसके साथ साथ कि आप बताओ, अच्छा एक बात हो रहा है ठीक है, आप बताओ ना कि आप में से ना किसी बंदे की ना जिस बंदे की आईडी बैन हुई है ना, तो बैन हुई ठीक है, अभी तक खुली है नहीं खुली ठीक है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि मेरी आईडी फिर से खुल गई है ठीक है। तो मैंने एक पोस्ट देखी थी, पोस्ट नहीं देखी थी बल्कि मैंने टिकटॉक पर देखा था कि किसी ने लिखा हुआ था कि मेरी आईडी अनबैन हो गई है, लेकिन क्या पता उसने सच लिखा या फिर झूठ लिखा हुआ। तो बाकी आपने बताना कमेंट सेक्शन में, आप में से अगर कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह जो भी कोई आपका बंदा है तो उसकी आईडी अभी तक ओपन हुई है या फिर नहीं ओपन हुई है ठीक है। तो आईडी जो ओपन होगी तो वो 2-3 दिन लगेंगे। और उसके साथ साथ टापा वेबसाइट भी खुल चुकी है ठीक है, जिसको नहीं पता ना टापा वेबसाइट फिर से खुल चुकी है। तो और उसके साथ साथ जो टापअप करना बिल्कुल सेफ़ है ठीक है, आप फिर से जाकर टापअप कर सकते हो। तो आपकी आईडी बैन होगी कि नहीं होगी? आपकी आईडी बैन नहीं होगी ठीक है। तो आप अभी जाके जितना मर्जी टॉपअप करते हो करो, लेकिन हाँ अगर एक बात हो रहा है, अगर आप टॉपअप करते हो ना तो अगर आपका बैलेंस नहीं करता ना तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है कि मैंने इतना टॉपअप किया है तो मेरा बैलेंस नहीं कटा ठीक है, बैलेंस नहीं कटा। तो ये भी सारी चीज़ें आपने कमेंट सेक्शन में बता देनी है ताकि लोग कमेंट शमेंट पढ़ के ना तो देखें कि टॉपअप हो रहा है या फिर सही हो रहा है, तो फिर लोग ताकि ना जाकर टॉपअप कर सकें, क्योंकि अभी न्यू टॉपअप इवेंट आया है बहुत ओपी किस्म का ठीक है। तो चलो यार भाई साहब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।